नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सक्सेस मंच पर। तो आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत दिनों पहले मैंने दिखाया था लेसन्स लर्न्ड फॉर लाइफ के बारे में, तो उसका लेसन 1 लेकर आ गई हूँ। थोड़ा सा गैप हो गया टाइम का, उसके लिए सॉरी। बट आपके लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस के तहत ये सारे वीडियोस आएंगे और आपको बहुत सारा मोटिवेशन देना चाहती हूँ। तो नॉट टू गो विद द फ्लो, यानी कि जो लहरें हैं, जिस तरह से जीवन की लहरें हैं, जैसे वो जिस तरफ आपको रुक करें, आपको उसी तरफ नहीं जाना है। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि फिक्र नहीं, परवाह नहीं, चिंता सारी छोड़ दें, चलो चले कुछ ऐसे के लहरें भी रुख मोड़ दें। जी हाँ, ऐसे चलिए, ऐसे गोल्स बनाइए, ऐसे आगे बढ़िए ज़िंदगी में कि लहरें भी, जीवन की लहरें भी अपना रुख मोड़ दें। लहरों से यहाँ पर तात्पर्य हमारे जीवन से जुड़ी सारी चीज़ों से, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ना अपने गोल सेट करें, बल्कि एक स्मार्ट गोल सेट करें, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वो स्मार्ट गोल कैसे आप सेट करेंगे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो देखते रहिए ये वीडियो। तो अभी अभी हमने सुना कि MPBCS मेंस का रिज़ल्ट आया है, और बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है और बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो जिनका हुआ है उनको ऑल द बेस्ट, बधाई हो। और इंटरव्यू के लिए आप खूब खूब तैयारी करते रहिए, हमें कमेंट करिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तैयारी से संबंधित। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि निराश होने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, आपके जीवन में। क्योंकि फिक्र नहीं, परवाह नहीं, चिंता सारी छोड़ दें, चलो चलें कुछ ऐसे के लहरें भी रुख मोड़ दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना रास्ता खुद बनाइए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आपको पूरा एनालिसिस करना होगा अपने गोल्स को सेट करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए गोल्स को सेट करने के लिए है, पर गोल्स को सेट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोटिवेशन भी हो जाए, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ कविताओं की पंक्तियाँ, जो बहुत ही फेमस पोएट्स ने लिखी है, लेखकों ने लिखी है, हिंदी की पंक्तियाँ हैं, तो ज़रूर सुनिए। पहली बहुत ही फेमस, कोशिश करने वालों की, तो चलिए हम आप दोनों मिलकर पढ़ते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, कभी आपको हार नहीं होगी। आप अगर असफल हुए हैं तो आप देखिए कहाँ कमी रह गई और उस कमी को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बेस्ट नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हमें खुद पता होती हैं। हम अपना सेल्फ एनालिसिस, खुद का एनालिसिस करके, खुद की मेहनत का एनालिसिस हमसे बेटर कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसका एनालिसिस करना है और उसमें सुधार करना है। तो ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता आपके लिए प्रस्तुत की मैंने। दूसरी है, चलना हमारा काम है, ये है शिवमंगल सिंह सुमन की कविता। चलना हमारा काम है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं,
जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। श्री मंगल सिंह सुमन की कविता की यह कुछ पंक्तियां हैं, पूरी कविता नहीं है। आप पूरी कविता आप गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, और इस कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है। तीसरी कविता है तनवीर गाजी की, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न तू इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है। तो अपनी खोज में निकालिए, और अपनी खोज जब आप करेंगे तो आप फ्लो में बहकर नहीं, पूरे विचार विमर्श करके अपने निर्णय लेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो सक्सेस मंच पर हम सक्सेस की बातें करेंगे ढेर सारी। स्मार्ट गोल कैसे बनाएं, स्मार्ट गोल SMART जो स्पेलिंग है, तो सबसे पहले आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल गोल नहीं। नॉर्मल गोल का मतलब कि जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी किसी के लिए जल्दी 9 बजे हो सकता है, जो 12 बजे उठता है उसके लिए 9 बजे बहुत जल्दी होगा, और किसी के लिए जल्दी उठना 4 बजे भी हो सकता है। तो आपको स्पेसिफिक डिसाइड करना है कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपका स्पेसिफिक है। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए गोल। मेजरेबल का मतलब जिसको हम माप सकें, ऐसा गोल सेट कीजिए जिसको आप माप सकें। जैसे आपने 1 वीक का गोल सेट किया कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आप रोज़ देखिए आप कितने बजे उठे, फिर आप इस तरह का ग्राफ भी बना सकते हैं कि आप कितने सफल रहे। तो मेजरेबल यानी मापन की सुविधा होनी चाहिए, ऐसे गोल्स होने चाहिए। तीसरा अटेनेबल यानी कि ऐसे गोल्स जिनको पूरा किया जा सके, ऐसे गोल्स होने चाहिए जिनको पूरा किया जा सके। अब आपका गोल है प्रधानमंत्री बनना, तो वो तो अटेनेबल गोल नहीं है, तो इसलिए ऐसे गोल जो आप प्राप्त कर सकें। चौथा है रेलेवेंट यानी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उस गोल की, उस गोल का क्या अनिवार्यता है, वो आप खुद अपना एनालिसिस करके समझ सकते हैं। और लास्ट है टाइम बेस्ड यानी कि टाइम फ्रेम, ये नहीं कि आपके 40 साल एज है UPPCS क्लियर करने की तो आप 40 साल टाइम बना के रखिए, नहीं, आपको क्लियर करना है कि आपका गोल कब तक क्लियर करने का होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ को कैसे सेट करेंगे, ये इस 5 स्मार्ट पर डिपेंड करता है। तो अपने गोल्स बनाइए स्मार्ट गोल की तरह, और देखते रहिए सक्सेस मंच, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू, और देखते रहिए सक्सेस मंच।